दिल है शैदा मदारे आजम का। पता चल जाएगा कितने मदार वाले बैठे हैं यहाँ, कितने जिंदा शाह मदार वाले हैं, मदारुल आलमीन वाले हैं। आज जाकर कह दें दम मदार, दम 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 मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार, दम मदार, दम मदार। दिल है शैदा मदार आजम का, दिल है शैदा, दिल है शैदा मदार आजम का, लब पे चर्चा मदार आजम का, लब पे चर्चा, लब पे चर्चा मदार आजम का। नाज करते हैं मुत्तकी ही जिस पर, इंशाल्लाह इस शेर के बाद नारा इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा। तकवे वाले बहुत हुए हैं, लेकिन ऐसा तकवा कि दीन के लिए खाना पीना छोड़ दिया, ऐसा तकवा कि पूरी उम्र का रोजा रख लिया, ऐसा तकवा कि कभी आराम न की, दीन के लिए चलते रहे चलते रहे, ऐसा तकवा कि हर जगह 40-40 दिन तक चिल्ले किए, ऐसा तकवा दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, घर बार छोड़ दिया, कहां मुल्के शाम है, कहां हिंदुस्तान है, कहां से हिजरत की, कहां पहुंचे। शेख सुने कि नाज करते हैं मुत्तकी जिस पर, नाज करते जिस पर है वो तकवा मदार है, वो तकवा मदार आजम का। हिंद के जितने हैं वली सबने, एक सच्चाई पेश कर रहा हूँ, किताबें भरी भरी है, दलीलों का अंबार लगा हुआ है, YouTube पर सुन लीजिएगा, मैं शेर पेश करता हूँ। हिंद के जितने वली सबने, हिंद के दादा मदार इसीलिए कहा जाता है सबसे पुराने हैं, हिंद के सबने फैज पाया मदार आजम का, फैज पाया, फैज पाया मदार आजम का, है वो तकवा मदार आजम का। मसलके इमाम आजम जिंदाबाद क्यों है, क्योंकि चार मसलक जो हैं, शाफई, मालिकी, हनफी और हम्बली। हम लोग हनफी मसलक वाले हैं। कौन से मसलक वाले हैं? हनफी मसलक वाले। इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक पर चलने वाले। शेर सुने, समाप्त करें, देखें कि उसकी मंजिल इमाम आजम है। वाह सुभान अल्लाह। अबू हनीफा को इमाम आजम इसलिए कहा जाता है कि सबसे बड़े इमाम इमाम आजम के उसकी मंजिल
इमाम आजम है। देखता हूँ इमाम आजम का नारा कौन लगाएगा इस शेर के बाद। उसकी मंजिल जो है रसता मदार आज़म का। और शेर इससे अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ, सुने समाप्त करें सभी हजरात की तवज्जो का ताली। सुने 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 रब करेगा कबूल तेरी दुआ, रब करेगा कबूल तेरी दुआ। सुभान अल्लाह। रब करेगा, रब करेगा कबूल तेरी दुआ, दे वसीला मदारिया। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मसलके इमाम आजम अबू हनीफा, मसलके इमाम आजम अबू हनीफा। दम मदार, दम मदार, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा दम मदा, दम मदा, दम मदा, दम मदा। उर्स आने वाला है सरकार का, आने वाला है 18-19-20 है ना, 18-19-20 नवंबर उर्से कुतुबुल मदार है ना, है ना, है ना। नूर बिखरा हुआ है जानिब, जाके देखना, देखना जा करके। नूर बिखरा, उर्स आया मदारिया, उर्स आया, उर्स आया मदारिया। जिंदाबाद। दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। नूर बिखरा है जानिब। पूरी दुनिया में एक ही दरगाह है जिंदा शाह मदार की। काबे का चक्कर अबाबिल लगाती है, गुंबदे खजरा का चक्कर अबाबिल लगाती है। पूरी दुनिया में एक आस्ताना है सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार का, जहाँ डेली असर से मगरिब तक अबाबिल तवाफ किया करती है। नूर बिखरा, नूर बिखरा हुआ है जानिब, उर्स आया मदार आज़म का, दे वसीला शेर। बहुत सुने होंगे आपने।
लेकिन चेहरे पर मदार साहब के जो सात नकाब रहते थे उसका रीजन क्या है सुना होगा ना आप लोगों ने। अब्दुल मदार के चेहरे पे सात नकाब रहते थे, एक भी उठ जाता था तो मखलूक खुदा बेखुदी के आलम में सजदा रेज होकर पढ़ लेती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ लेते थे लोग अवाम। लेकिन ये पर्दा था क्यों? आज मैं इस पर्दे से पर्दा उठा देता हूँ मौलाना। ये पर्दा मदार पाक के चेहरे पे था क्यों? इस पर्दे से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। उठा दूं? उठा दूं भाई? तो कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से कह दे या मदार, या मदार, या मदार। सिर्रे हक के सिर्रे हक के नाराज खुल जाए, सिर्रे हक के नाराज खुल जाए, से एक आदमी ऐसा नारा लगा दे कि सब जवाब दे दे फिर मैं पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। कोई भी एक आशिक मदारे पाक जिंदा शाह मदार का इश्क रखने वाला सुभान अल्लाह। सिर्रे हक के जोर से जोर से सिर्रे हक के नाराज खुल जाए, सिर्रे हक के नाराज खुल जाए। यूं है पर वक्त का मसला है, मक्ते का शेर सुने सुने सुने। सैयद अगर रिक्शा चला रहा हो, सैयद अगर बिना दाढ़ी के हो, सैयद जैसा भी हो, अगर सैयद है देखो मेरा नाम सैयद शजरली, मेरे वालिद का नाम सैयद मैजरली, उनके वालिद का नाम बुलवकार सैयद कलबेली, उनके वालिद हैं हुजूर सरदार सैयद खुशवक्त अली, उनके वालिद सैयद अब्दुल कुद्दूस सैयद अब्दुल सुभान मुहद्दीस, और दादाओं के दादा होते हुए सैयद अबू तराफ मंसूर, फिर उनके दादाओं का दादा सैयद जाफर है, सैयद जाफर के दादा हजरत सरदार सैयद महमूदुद्दीन, सैयद महमूदुद्दीन के सगे भाई हजरत सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार, कुतुबुल मदार के वालिद हजरत अली हलबी, उनके वालिद सैयद बहाउद्दीन, उनके वालिद सैयद जहीरुद्दीन, उनके वालिद सैयद 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 अहमद इस्माइल, उनके वालिद सैयद अहमद, उनके वालिद इस्माइल अव्वल, उनके वालिद इमाम जाफर सादिक, जिनके कुंडे आप खाते होते हो, इमाम जाफर सादिक के वालिद इमाम बाकर, इमाम बाकर के वालिद इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम जैनुल आबिदीन के वालिद इमाम हुसैन अलैहि सलाम, इमाम हुसैन के वालिद मौला अली हैं, मौला अली के वालिद हजरत अबू तालिब हैं, रसूलुल्लाह का घराना है ये सैयद। रिक्शा भी चला रहा हो, दाढ़ी हो नहीं हो, जैसा भी हो, एहतराम जरूरी है, इज्जत जरूरी है, जबान खामोश कर लिया करो, यहाँ तो स्टेजों से गालियां दी जाती हैं।
स्टेजों से कहा जाता है वो काफिर है, वो मुशरिक है, और वो राफिजी है, वो ये है, वो वो है। अबे राफिजी वो होता है जो माज़ अल्लाह सहाबा की तौहीन करे। अली अली करने वाला राफिजी नहीं होता है, सच्चा जन्नती हुआ करता है। अगर सहाबा की मोहब्बत सीने में है, सिद्दीक अकबर की, उमर फारूक की, उस्मान गनी की मोहब्बत है सीने में, बाकी सहाबा के मसाइल पे आप खामोश हो, कोई लेना देना नहीं, झगड़ा हुआ था क्या हुआ था अल्लाह जाने, सहाबा जाने, लेकिन 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 राफिजी नहीं हो सकता। यहाँ इल्जाम तराशी होती है अहले बैत में। अल्लाह हिदायत दे। शेर सुने, फर्ज है एह तरान जिस का शजर, फर्ज है ए तरम जिस का शजर, फर्ज है ए तरम जिस का शजर, है वो कुनबा